వాడు కనపడితే సముద్రాలు తడబడతాయి నిలబడితే సామ్రాజ్యాలు సాగిల వాడి పొగరు ఎగిరే జెండా వాడి ధైర్యం చీకట్లని చీల్చే మండు अजय देवगन ने आर 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 में काम करने के लिए क्यों नहीं लिया फीस क्या आलिया भट्ट आर 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 में गाने गाने वाली है क्या है राजा मोली और जयंती लाल गड़ा के बीच में अनोखा डील हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुजाता स्टूडियोज़ में आपका स्वागत करती हूं आज हम बात करने वाले हैं एस एस राजौली के आने वाली फिल्म आर 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 के बारे में जैसे कि आप जानते हैं आर 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 में बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन भी दिखने वाले हैं इस साल उन्होंने तन्हाजी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई जिसने तावर तोड़ कमाई की आपको बता दे अजय देवगन ने आरआरआर आर आर फिल्म में काम करने के लिए कोई फीस नहीं ली फिल्म के प्रोड्यूसर डीवीवी बी दनैया ने जब अजय देवगन को फीस देनी चाहिए तो उन्होंने लेने से मना कर दिया अब इसके पीछे का रीजन अजय देवगन और एस एस मोली की दोस्ती है आपको बता दे अजय और राजा मौली की दोस्ती की शुरुआत फिल्म ईगा के सैर पर हुई थी यह फिल्म तेलुगू और तमिल में बनी थी जिसको डायरेक्ट एस एस राजा मौली साहब ने की थी जबकि फिल्म की कहानी उनके पिता के वी विजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी बाद में इस फिल्म को हिंदी में मक्खी के नाम से बनाया गया था जिसके लिए अजय देवगन और उनकी वाइफ काजोल ने वॉइस ओवर दिया था आर आर के प्रोड्यूसर ने पहले अजय देवगन को जूनियर एनटीआर और रामचरण के बराबर फीस ऑफर की थी लेकिन जब अजय ने इनकार कर दिया तो उन्होंने अजय की मार्केट वैल्यू के हिसाब से फीस देनी चाहिए पर अजय ने ये कहकर पैसे लेने से इनकार कर दिया कि राजा राजामौली की दोस्ती के खातिर वो ये फिल्म कर रहे हैं आपको बता दे जूनियर एन जो इस फिल्म में कोमाराम भीम का किरदार निभा रहे है और उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए पचास करोड़ लिए है वही रामचरण अल्लूरी सीताराम राजू का रोल निभा रहे हैं उन्होंने भी पचास करोड़ ली है और आलिया भट्ट जो रामचरण के ऑपोजिट सीता के कैरेक्टर में नजर आने वाली है उन्होंने इस फिल्म के लिए दस करोड़ चार्ज किया है आलिया भट्ट इस फिल्म के दो गाने में अपनी आवाज देने वाली है इस दो गानों की शूटिंग के लिए आलिया एकदम तैयार है इन दोनों गानों की शूटिंग हैदराबाद में की जाएगी फिल्म के हिंदी वर्षन में आलिया रोमांटिक सॉन्ग को आवाज देंगी फैंस उनके नए गाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बता दे कि इससे पहले भी आलिया मैं तेनु समझावा लव यू जिंदगी हम सफर इकड़ी इश्क वाला लव आशिक सरेंडर हुआ जैसे गाने गा चुकी है फैंस आलिया के अभिनय के साथ साथ उनके सॉन्ग को भी खूब पसंद करते हैं आलिया भट्ट का फिल्म से फर्स्ट लुक पोस्टर में दिखाया गया है पोस्टर में आलिया भट्ट के लुक की बात करें तो इसमें वो साउथ इंडियन स्टाइल में बेहद खूबसूरत लग रही है उन्होंने रेड प्रिंटेड ब्लाउज के साथ ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है साथ ही नाक में छोटी सी रिंग पहनी है और बिंदी लगाए हुए है आलिया भट्ट के बाल और उस पर लगा गजरा काफी आकर्षित कर रहा है आपको बता दें ब्रिटिश एक्ट्रेस ओलिवा मोरिस फिल्म में जूनियर एन के सामने लीड रोल में नजर आएंगी जिन्होंने इस फिल्म के लिए छह करोड़ चार्ज किया है इस फिल्म में एक्ट्रेस अलिसन डूडी और रे स्टीवनसन मुख्य विरोधी के किरदार में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें एस एस राजा मोली ने आरआरआर के नॉर्थ इंडियन थिएट्रिकल राइट पैन स्टूडियोज को बेच दिए है इस फिल्म का हिंदी वर्षन पैन प्रोडक्शन हाउस रिलीज करेगा इस बात में कोई शक नहीं है कि बाहुबली के बाद एस एस राजा मौली की ये दूसरी फिल्म है जिसे इतने बड़े स्तर पर देखा जा रहा है साथ ही जयंती लाल गढ़ा ने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स खरीद लिए हैं। एस एस राजौली और जयंती लाल गढ़ा के बीच नॉर्थ इंडियन वर्जन के लिए एक अनोखी डील हुई है बॉलीवुड स्टूडियो ने हिंदी डब सैटेलाइट डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स राइट्स मिलाकर लगभग 200 से 210 करोड़ रुपए में डील फाइनल की है जयंतीलाल गढ़ा हिंदी वर्षन के सैटेलाइट डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक राइट्स में 50 परसेंट के भागीदार है इसका मतलब ये है कि अगर फिल्म का हिंदी वर्षन सौ करोड़ की कमाई करता है तो जयंती को सीधे सीधे पचास करोड़ रूपए मिलेंगे इस फिल्म के काम को देखते हुए इन राइट्स की कीमत 200 करोड़ रुपए रखी गई थी लेकिन नॉर्थ इंडियन थिएट्रिकल राइट्स ने 140 करोड़ रुपए में खरीदा है जो कि बॉलीवुड हिस्ट्री में फिल्म रिलीज होने से पहले सबसे बड़ी डील बताई जा रही है ये फिल्म इस साल 13 अक्टूबर के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी आप देखना दिलचस्प होगा कि सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद फिल्म कैसा परफॉर्म करती है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद फिर मिलेंगे एक नए और ताजा जानकारी के साथ तब तक के लिए देखते रहे बॉलीग्रेड स्टूडियोज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा